या हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा मुझे नहीं कंटेंट मिल रहा था कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, लेकिन मैं चाहती थी कि क्यों ना मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग या कोई ऐसा वीडियो लेके आऊँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ जनपद, मैं और मानू जा रहे हैं आज जनपद मार्केट। उसके बाद हम नेहरू प्लेस मार्केट पर जाएंगे, वो छोटा मिनी आप सरोजनगर कह सकते हो उसको, तो हम वहीं जा रहे हैं अब। एंड अभी बज रहे हैं 9:30। अब हम सुबह सुबह टाइम ही निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है आने में वहाँ से। तो मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराने वाली हूँ अपने साथ, और मानू भी जा रही है। सो या ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर सच एंड न्यू वीडियोज़। बाय बाय, चलिए चलते हैं, मैं आपको वहीं मिलती हूँ मेट्रो स्टेशन पर। तो अब हम पहुँच गए हैं फाइनली वैशाली मेट्रो स्टेशन। गाइज, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जनपद मार्केट।
आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे हर तरह का कलेक्शन मिलेगा, हर तरह का जो भी आप चाहते हो ना कलेक्शन, वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ सामने जो बैरिकेडिंग लगी हुई है वहाँ से और अंदर मार्केट है। ये स्टार्टिंग में ही अभी कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी आगे जब आप चलेंगे अंदर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ और देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने पूरा वीडियो में आपको ये सब चीज़ें दिखाई हैं। एंड अभी मॉर्निंग का टाइम था तो 11:15 बज रहे थे, तो सिर्फ अभी लगनी स्टार्ट हुई हैं ये सब। अभी इतना आपको रश यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाता है ना, इतना रश हो जाता है ना, इतना रश कि मतलब काफ़ी भीड़ हो जाती है इकट्ठी। जैसे आपने देखा होगा ना सरोजनी नगर में, अगर आप शाम के टाइम जाओगे या फिर आप गाज़ियाबाद रामनगर मार्केट में भी विज़िट किया है आपने, तो आपको दिखेगा कितना रश रहता है। तो यहाँ उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा रश रहता है, तो आप इसको मिनी सरोजनगर भी कह सकते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस जनपथ मार्केट का सरोजनगर से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड मैं पहले भी गई हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी, आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी सरोजनगर में भी है, बट मेरा एक्सपीरियंस खुद का जनपथ मार्केट का है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स गए हैं सरोजनगर का भी ब्लॉग उन्होंने शूट किया है, मैं भी गई थी नवंबर में लास्ट ईयर 2021 में, बट मेरा कुछ एज सच खास एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मैंने और भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट की हैं दिखाने के लिए। हर तरह की वैरायटी है यहाँ पे, आपको जिस टाइप की भी वैरायटी चाहिए, चाहे आपको वन पीस चाहिए, चाहे आपको नाइट सूट चाहिए, चाहे आपको शॉर्ट्स चाहिए, कोई भी कुर्ती है, कैसी भी कलेक्शन चाहिए ना, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ। तो आप, मैंने ये सिर्फ स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा दिखाया है। अभी आप देख सकते हो कितना खाली खाली लग रहा है, बट यहाँ पे होता नहीं है, काफ़ी भर जाता है सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे। लास्ट पॉइंट तक मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिखाया है। इसमें इयररिंग्स कलेक्शन, होम डेकोर आइटम्स, बैग्स, जूट बैग कलेक्शन, स्लिंग बैग्स, कॉरियन बैग्स, नॉर्मल आप ऑफिस के लिए भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने, और काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी बार्गेनिंग की स्किल्स अच्छी हैं, अगर आप बार्गेन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको करनी होगी। मैंने भी की है, मैंने सिस्टर के लिए, मतलब बहन के लिए, और 3-4 टॉप लिए थे, तो उन्होंने मुझे मतलब एक ही शॉप से लिए थे मैंने, क्योंकि वो एक टॉप आप लेंगे तो वो कम नहीं करते इतना, तो लेकिन जब आप 4, 5 या 3 टॉप ले रहे थे तो कम कर देते हैं। मैंने लिए थे तो उन्होंने मुझे प्राइस पूरा 1750 बताए थे, 1750 रुपये बताए थे उन्होंने मुझे। बट सीरियसली गाइस, इतने प्राइस नहीं होते हैं नॉर्मल टॉप के भी, आप लोगों अगर कैजुअली आपको चाहिए तो। लास्ट ऑफर आया, मैंने उसको पूछा कि आप कितना करोगे, तो वो 1350 रुपये आए। फिर मैंने अपना फिक्स प्राइस बोला, एंड देन उन्होंने मेरे को 3 या 4 टॉप थे शायद वो दिए। अब आप यहाँ देख सकते हो ये शूज़ की वेराइटी है यहाँ पे गाइस। इन्होंने मुझे बताया था भैया ने कि 350 से स्टार्टिंग रेंज है यहाँ पे शूज़ की, और सच में इतनी अच्छी क्वालिटी है ना इन शूज़ की, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत बार्गेन ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, कि एकदम फिक्स प्राइस ही होता है, जहाँ फिक्स लिखा रहता है वहाँ फिक्स्ड है, बट यहाँ बार्गेन होता ही है। तो हमने भी शूज़ लिए थे, एंड सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे। आपको फ्लैट्स, आपको वेलीज, आपको हील्स काफ़ी अच्छी वैरायटी में 200, 150 की रेंज में मिल जाएगी, उसमें तो आप क्या ही बार्गेन करेंगे। लेकिन हाँ, अगर और ज़्यादा उसमें 300, 400 का, तो आप बार्गेन कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड ये काफ़ी अच्छे कलेक्शंस थे गर्ल्स के लिए, बॉयज़ का भी है यहाँ पे कलेक्शन, और आगे भी आप देखेंगे कि कितनी सारी वेराइटीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। मैंने सब कुछ आपके लिए यहाँ पे शूट किया है कि आप अच्छे से समझ जाओ। तो बार्गेनिंग तो आपको करनी है, ये तो लड़कियाँ बहुत अच्छे से कर सकती हैं। फिर हम यहाँ पे जीन्स देखने के लिए आए थे भैया के पास, स्टार्टिंग में जब जनपथ में मार्केट में आएंगे तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे जीन्स की ये शॉप दिखेगी, एंड काफ़ी अच्छी जीन्स थी मुझे यहाँ पे। मैंने जीन्स ली थी थोड़ा ग्रेइश कलर में, एंड प्योर एकदम जैसे बोलते हैं ना जेट ब्लैक, वैसे वाली बिल्कुल ली थी, हाई वेस्टेड, और काफ़ी अच्छी रेंज में थी। यहाँ पे 550 से उन्होंने स्टार्टिंग रेंज बताई थी, बट मैंने वो बार्गेन करके काफ़ी अच्छे तरीके से कर ली थी, तो मुझे बहुत अच्छी कॉस्ट में पड़ी है ऐसे, मतलब मैं ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकती। एंड क्वालिटी वॉज ऑसम, सच में गाइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आप स्टार्टिंग में आपको पूरा जीन्स का कलेक्शन देखने को मिलेगा जब आप जनपथ मार्केट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे ये शूज़ का, स्लीपर्स का काफ़ी अच्छी रेंज में स्टार्टिंग थी, 150, 200 यहाँ पे देख सकते हो। शूज़ का भी सेम कलेक्शन है अंदर, हमने यहाँ पे देखी थी वेलीज। वॉचेस का कलेक्शन है यहाँ पे, नॉर्मली बहुत हाई रेंज बताते हैं 300, 400 का, लेकिन आप अच्छे से, मैंने 150 में ली थी ब्लैक कलर की वॉच। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये
ये देखिए यहाँ पे ये नाइट सूट कलेक्शन है आपका, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज 400 की है और आपको यहाँ कॉटन में भी मिल जाएंगे नाइट सूट्स और जो सिल्क में होता है ना वो भी मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो क्रॉप टॉप है, इनका भी सेम प्राइस 300, 400, 450, 550 कुछ ऐसा ही रहता है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है व्लॉग में कि आपको बार्गेन करनी ही है और यहाँ चलता है बार्गेनिंग, ठीक है। तो आपको बार्गेनिंग आती है करनी तो डेफिनेटली आप कीजिए बार्गेन। यहाँ पे आपको शिफॉन में शर्ट्स मिल जाएंगी, क्रॉप टॉप, हर एक वैरायटी के आपको क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगे, डेनिम शर्ट्स मिल जाएंगी, वन पीसेज हैं अगर डेनिम में तो आपको वो ही मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोट सेट भी मिल जाएगा, जम सूट भी हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। यहाँ पे ये भी 400 के आसपास के थे एंड मेरे को ये वाइट वाला बहुत पसंद आया जम सूट, अभी मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊंगी। तो ये काफ़ी अच्छी वेराइटी है एंड सच में गाइस क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं क्वालिटी में नहीं कहूँगी कुछ कि बहुत लो क्वालिटी है। या शॉर्ट्स का है, अभी आपको मैं आगे भी दिखाऊंगी, शॉर्ट्स के कलेक्शन मैंने रिकॉर्ड किए हैं, उनका भी सेम प्राइस कुछ ऐसा ही है। और आपको आगे यहाँ पे इयररिंग्स कलेक्शन भी देखने को मिलेंगे, ज्वेलरी कलेक्शंस हैं, चोकर चाहिए आपको, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे।